फैजाबाद के मेडिकल कॉलेज में कार्य कर रहे मजदूरों ने आज से अपनी कार्य बंद हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल का कारण पिछले 2 महीनों से मजदूरों को पेमेंट नहीं मिलना बताया गया है। हम आपको बता दें कि फिरोजाबाद में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर कार्यरत हैं, बताया गया है कि मजदूरों को ठेकेदार द्वारा पिछले 2 महीने से पेमेंट नहीं दिया गया है, जिसके चलते मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। अपने पेमेंट को लेकर मजदूरों ने आज से मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। हेक्स न्यूज के लिए राजा यादव की रिपोर्ट। नरेंद्र जी, कहाँ जा रहे हो आप, किस जगह काम करते हो? कहाँ जा रहे सर, पैसा नहीं मिल रहा है। क्या बिल्डिंग क्या बन रही है, कौन सी बिल्डिंग है ये? सर मेडिकल बिल्डिंग बन रही। गाँव कहाँ है आपका? गाँव झांसी से आ गए, ललितपुर। कितने दिन से पैसा नहीं मिला है? 2 महीने से। अब अपने गांव वापस जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं, यहाँ भूखे मरने का। आपने कॉन्ट्रैक्टर से कहा, ठेकेदार से कहा? बोले पीएम डालेंगे, जब हमें मिलेगा तब तुम्हें देंगे। कितने दिन से नहीं मिला पैसा? मुझे 2 महीने से नहीं मिला। अच्छा, आपकी फैमिली है, परिवार है? सब में सब पूरी फैमिली लोग हैं, सब सबके साथ जा रहे हैं वापस। सब जा रहे थे भूखे मर जाने का। ये मेडिकल कॉलेज जो बनना है, इसमें मजदूरों ने हड़ताल कर दी है, क्या वजह क्या है, किस वजह से इन्होंने काम बंद कर दिया है? अब सर इनकी ये है कि कुछ थोड़ी पेमेंट लेट हो गई है कंपनी की वजह से। कितने दिन हो गए इनको पेमेंट नहीं मिला है? पेमेंट तो हर मंथ आया है, पेमेंट हम लोग को मिला है। इन लोगों का कहना है कि 2 से 3 महीने तक का पेमेंट बाकी है कंपनी पे। तो कुछ फंड की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ था, अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, पेमेंट आ गया। किस कंपनी पे कॉन्ट्रैक्ट है इन मैन पावर का? आप कौन है कंपनी के? मैं सब कॉन्ट्रैक्टर हूँ। सब कॉन्ट्रैक्टर हैं। इसकी जो ये समस्या है, इसकी बात आपने ऊपर की उच्च अधिकारियों से? जी बात हुई थी, कल तक पेमेंट आने की थी, हो सकती आज पेमेंट आ जाए। लगभग कितना मजदूर काम करता होगा? लगभग करीबन 600 के आसपास। 600 के आसपास। आज सारी बिल्डिंग में काम बंद है? मालूम नहीं सर हमको। आपने चेक नहीं किया? नहीं सर, पूरी वर्कर मेरी थोड़ी है, मेरे पास तो 100 वर्कर है, बाकी और भी कॉन्ट्रैक्टर हैं।